आज हम लोग बनाएंगे सूजी और आलू का ये टेस्टी सा नाश्ता स्नैक्स। ये बहुत इजी है, तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करी हूँ। मैं रंजना, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। मैंने यहाँ पे 150 ग्राम सूजी लिया है, पतला सूजी हमें लेना, मोटा नहीं। और यहाँ पे मैं आधा चम्मच नमक डालूँगी, आधा चम्मच मैं चाट मसाला डाल रही हूँ। इसमें हम 3 से 4 चम्मच दही डालेंगे, ऐसे हम मिक्स करेंगे। हमें इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है, नहीं तो फिर हमारा बैटर अच्छे से नहीं फूलेगा। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ और इसका एक घोल रेडी कर लेंगे। मैं थोड़ा सा और पानी डाल रही हूँ। ये हमारा घोल परफेक्ट रेडी है, तो मैं इसे 5 मिनट रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ। हमारा पैन अच्छे से गर्म है, मैं इसमें 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है 3-4 कटे हुए लहसुन, 2 मिर्च कटी हुई, 1 प्याज कटा हुआ, और तीनों को हमें साथ में डाल के गोल्डन फ्राई कर लेना है। प्याज को हमें 1 मिनट फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं। ये देखिए हमारा प्याज परफेक्ट गोल्डन फ्राई हो गया है, तो मैं यहाँ पे डालूँगी 7 से 8 मीडियम साइज के उबले हुए आलू। इसे हम मिक्स कर ले। यहाँ पे मैं 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करते हुए इसे हमें 1 मिनट तक फ्राई करना है। ये देखिए हमारा बैटर रेडी है, अच्छे से फिलिंग तैयार हो गया है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा और पानी डालूँगी, क्योंकि हमारा बैटर अच्छे से फूल गया है। सूजी फूलने के बाद थोड़ी थिक हो जाती है। मैं यहाँ पे सेम पैन में 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। अच्छे से आपका ऑयल गर्म हो जाए तो फ्लेम को आप मीडियम कर दें, और उसके बाद हम लोग तैयार किया हुआ सूजी का बैटर डालेंगे। मैं चम्मच से सहायता से डाल रही हूँ, हमें फैलाना नहीं है इसे। 1 चम्मच हमें जगह जगह पे इसमें ड्रॉप की तरह डाल लेना है। इस पे हम डालेंगे आलू का तैयार किया हुआ मिक्सचर। इस तरह हमें डाल के इसका हल्का सा पुश करना है, ज़्यादा नहीं। ये देखिए मैंने सब पे डाल लिया है। इसे हमें 2 मिनट कुक कर लेना है। एक तरफ से आपका गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसे दूसरी तरफ पलट दे। देखिए मेरा एक तरफ से अच्छे से पक गया, मैंने इसे दूसरी तरफ पलट लिया है। इस तरफ भी हमें 1 मिनट इसे पका लेना है। ये हमारा इजी सूजी एंड आलू का टेस्टी नाश्ता बनके रेडी है। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं।